Hey, what's up, Legit Gang? और आज हम react करने वाले हैं Hood में तो आ ट्रैक पर yes. जिसमें आर्टिस्ट है मीमैक्स yes. थोराट yes. यंग गालिब और मिंटा और yes. हाँ गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे हम कम्युनिटी बिल्ड करें जो कि सिर्फ रियल हिप हॉप को सपोर्ट करती है yes. और पिछला भी लेजेंडरी गाने का भाई गौश का रिएक्शन करा हमने ब्रेकडाउन करने भी कोशिश की है और भाई बहुत ही लिरिकली ट्रैक था बहुत मस्त था भाई हाँ. बहुत चीजें सर के ऊपर से गई बहुत चीज हिट करी बहुत चीज समझ में भी आई तो पूरा एक्सपीरियंस वहां पे आप जाके देख सकते हैं सो लेट्स गो मैन ये गाने में उसके नीचे उस गाने और रिएक्शन की तो तारीफ बिल्कुल ही हुई है कमेंट सेक्शन में हुड में तो आ भर दिया गया है भाई एकदम तो लेट्स गो मैन डायरेक्ट चेक करते क्या मतलब इतनी हाइप क्यों है सो लेट्स गो मैन लेट्स गो पंटाय रिकॉर्ड्स प्रोड बाय मीम मीमैक्स नजर भाई नजर ना लग जाए ओके नींबू मिर्ची बीट से तो वाइब आ रही है भाई अच्छी सबको लेगा जितने ना सबको लेगा अच्छा कॉल आउट कर रहे हैं भाई क्या कभी हुड में तो आ अकेला नहीं झूम ले गया पूरी गैंग ले गया भाई गंदा डोप ड्रॉप हाँ। मेलोडी बहुत अच्छी है यस बहुत सिक लग रहा है बहुत सिक लग रहा है ब्रो अकेला नहीं गैंग ले गया ओके कभी हुड में तो आ सबको लेके आ पहले एडलिब चले थे पीछे बैकग्राउंड लेट्स गो सही है भाई काम कर सबको लेगा जितने ना सबको भाई बहुत कैडी ड्रॉप भाई म्यूजिक बहुत अच्छा है कभी हुड में तो आ अकेला नहीं झूम ले गया पूरी गैंग ले गया ओए यंग गालिब अकेला नहीं झूम ले गया पूरी गैंग ले गया कभी हुड में तो आ अकेला नहीं झूम ले गया पूरी गैंग ले गया कभी हुड में तो आ ये गालिब मस्त लग रहा है भाई झूम ले गया पूरी गैंग ले गया म्यूजिक मेरा चस्का बना हाई स्कूल किड़ियां पे बस्ता गाना ओके तो ये वो भी गना ही है ना वही में बीट भी गना है वही मैं कह रहा हूँ रिमाइंड कर दिया कुछ अभी मैं ध्यान से देख रहा हूँ बंदा भी गना जैसा हाँ गना जैसा ही लग रहा है ओ भाई ये गालिब पसंद है भाई वो ऋत्विज वाला हमको पसंद नहीं आ रही वाइब्स भाई सच्ची बताऊं तो ये गालिब ये इसका अपना अपना यस ये बहुत सही लगा लेट्स गो मैन सही कह रहा हूँ गना जैसा तो लग रहा है चश्मा वैसी पहन रहा है मन को मेरे मैं देता बनना चले भाई लोग आ रहे हट रास्ता बनना उड़े नहीं दे रहे दूध के दांत गैंग तेरी हार्ट मेरे को लगती झाट बचकाने बस गानों उसने ये भी बोल दिया कि हार्ड है गैंग पर मेरे को तो वो लगती है तभी कर्मा एंड इसका वो हाँ। वो कैप्शन बैटल चल रही थी अच्छा तो मतलब ये रेडी है एक तरीके से मतलब यंग गालिब रेडी है अपनी तरफ से शॉट्स देने के लिए एंड एवरीथिंग तभी ब्रो लेट्स गो मैन ओके ओके मजा आ रहा है On vacation. हाँ, शायद लग तो वैसी रही है नो कैप वाले हाँ तो छेड़ रहा हो मतलब एक तरीके कॉन्विटेशन कॉन्वोकेशन इनकी टोपी भी उड़ा दूं लगे कॉन्वोकेशन ए इसलिए इनको लग रहा है गालिब वेकेशन पे है तो अब ओके 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 वी ऑफिस चलते हैं एक बारी और पढ़ते जाओ इन्हें लगा गाले बोन वेकेशन दे रे इनविटेशन बोले शो पे आओ ओके फैंस तेरा गिरता भाव कर्म मच्छे दो कर्मा भी करता भाव लेगा बीफ मेरे दिल भाई वो फिर कृष्णा को ही है भाई वो हाँ। कर्म अच्छे तो कर्मा भी करता हुआ तो अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे और वो कर्मा शॉर्ट भी हो गया और यस यस लेट्स गो गालिब ब्रो ये वाली वाइब्स चाहिए हमें भाई यही वाली चाहिए बहुत अच्छी लग रही है भाई हमें कुछ आपसे हेट नहीं है भाई ये पसंद है भाई फैंस तेरा गिरता भाव कर्म अच्छे तो गिरता भाव करता भाव लेगा बीफ मेरे देश में अबे बैन है का मेरा लंडू लेजेंड कैसे टेल मी हाउ द इस गेम का मैं लेजेंड है लिसन दिन दिन गूगल पे ओके ठीक है भाई और वो लाइन मस्त लगी बीफ बैन है तो कैसे बीफ करोगे तुम ओके 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 हाँ उसने उसमें कॉल आउट भी करा था बीफ चाहिए तो अच्छा कुछ मतलब उसमें बोला है नहीं नहीं वो बीट लो वाली शायद गूगल पे में उसने कुछ लाइन मारी थी कि मैं रेडी हूँ बीफ के लिए अच्छा। तुम कुछ आ तो जाओ ऐसा कुछ है शायद उस लाइन में तो इसने शायद उसका रिप्लाई करा गिरता भाव कर्म मच्छे तो कर्मा भी करता भाव लेगा बीफ मेरे देश में अबे बैन है का मेरा लंटू लेजेंड कैसे टेल मी हाउ
तेरे जैसा कौन जोन में आने मेड फैशन वन ऑफ द बेस्ट एंड आई क्लेम इट तेरा साउंड लगे कर रहा तू मीम एक साउंड मेरा सुने तेरा क्राउड बोले डैम इट ओह डैम इट ब्रो सच्ची मस हम देंगे शॉट तो दुखेगी एनस बस सही हम देंगे शॉट तो ये ऐसे वाले शॉट शॉट की बात गाले ब्रो मजा आ रहा है भाई मजा लेट्स गो मैन गाना डिजर्व करता है भाई बहुत अभी तो एक डेढ़ मिनट भी नहीं हुआ होंगे फेमस हम देंगे शॉट तो दुखेगी एनस एक्सप्लिसिट कंटेंट हमें शेमलेस तुम अच्छे आर्टिस्ट बट यू लेंट अस कभी हुड में तो आ भाई मी मैक्स की बीट भाई तारीफ है भाई अकेला नहीं झुंड ले गया पूरी गैंग ले गया कभी हुड में तो आ शिट ब्रो डोप पूरी गैंग ले गया कभी हुड में तो आ मेरे हुड में तो आ ओके थोड़ा आगे पूरी गैंग ले गया Brown eyes, brown मुंडे, brown color, brown गुंडे, तेरा घमंड डालूंगा मैं तेरे बुंड में अकेला तो ये पुराने वाले भाई बन रखे भाई एक आउटफिट से हाँ 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 क्या बोलते हैं नार्कोज वाले जो टाइप है ना नार्को वैसे टाइप के वो उसमें वो भी मेरे को पता नहीं ठग वग जो है ना पूरा वो वाला लुक है थ्रिलर और भाई मेरे को तो बहुत सही लगा जब ने बोला ब्राउन मुंडे ब्राउन एक एपिरेंडो वाला थोड़ा फील आया फिर पूरा ही घुमा दिया बता दिया कि ब्राउन गुंडे मतलब वो सब Yes, so let's go, man. क्या कहते हैं नमाजुद्दीन वाली वाइब्स आ रही है इससे तो बिल्कुल ही नमाजुद्दीन वाली वाइब्स नहीं आ रही नमाजुद्दीन सिद्दीकी वाली ब्राउन मुंडे ब्राउन कलर ब्राउन गुंडे तेरा घमंड डालूंगा मैं तेरे बुंड में आता मैं कभी आता नहीं मैं झुंड में फैंस बने क्या आइए अकेला झुंड में हाँ भाई ये क्या है बात ये लाइन क्या है भाई हाँ चार जने साथ में आए हो अभी तो इस गाने में ये नहीं रखनी थी अभी मत बोलना है पेलने की बात कर रहा है जाके मुक्केबाजी जब मारेगा ना तो ये लाइन होगी सेटिस्फाइड कि हाँ भाई उसने अकेले जाके मार दिया अभी तो गाने में है तो भाई ये लाइन तो कोई सेंस ही नहीं बना रही मेरे तो दिमाग में सेंस नहीं बना रही है अगर आपने इस लाइन पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो भाई पता नहीं आपने क्यों नहीं उठाया तो लेट्स गो कलर ब्राउन गुंडे तेरा घमंड डालूंगा मैं तेरे बुंड में आता मैं कभी आता नहीं मैं झुंड में बने इतने जितने की बारिश आती हो झुंड में बॉम्बे तेरे बाप का शहर या अच्छे अच्छे घूमते हैं सुम में आ मुझे ढूंढ ले आ मेरा चूम ले लंड गानों में फ्लेवर से बहुत इसलिए तो फैंस का भरता नहीं मन तू बैगन का भरता मत बन माइक तेरे हाथ में तो बैगन का भरता क्यों बोला मेरे को नहीं पता पर अच्छा लग रहा पता नहीं मस्त लग रहा है भाई फ्लेवर से जून तू बैगन का भरता ओके बैगन का भरता एक फ्लेवर को था इसने उससे पहले बोला ना कि मेरे फ्लेवर्स बहुत सारे तू बैगन का एक ही चीज मत दे बार बार भाई बंदे बोर हो जाएंगे शायद से वैसी रेफरेंस तू बैगन का भरता मत बन मेरे पे तो ढेर सारे फ्लेवर्स हैं इसलिए फैंस भाई वो स्लैंग लैंग्वेज होगा वो तो पता नहीं पर मेरे को लग रहा है ऐसे यूज करा उसने गानों में फ्लेवर से बहुत इसलिए तो फैंस का भरता नहीं मन तू बैगन का भरता मत बन माइक तेरे हाथ में तो हिप हॉप का नेता मत बन अरे मन तो साथ लेके चलता नो बीट मत बन क्या बोला किसके साथ पता नहीं भाई पर वो लाइन मेरे को सही लगी भाई कि माइक तेरे हाथ में तो हिप हॉप का नेता मत बन ओके लेट्स गो मैन फ्लेवर से बहुत इसलिए तो फैंस का भरता नहीं मन तू बैगन का भरता मत बन माइक तेरे हाथ में तो हिप हॉप का नेता मत बन डोरेमोन को साथ लेके चलता नो बीटा मत बन डोरेमोन को साथ लेके चलता नो बीटा मत बन ओ भाई डोरेमोन मतलब तो ये अंकित खन्ना को कह रहा है क्या डोरेमोन या फिर अगर वैसे में लोगे मतलब कि फिजिक्स के वाइज तो बोल सकता है वरना वैसे लोगे तो एक तरह की नोबिता को गार्ड वही करता है तो कह रहा है कि शायद कृष्णा को टारगेट कर रहा होगा या फिर उनकी टीम को टीम लेके मत चल साथ में अकेला डोरेमोन को साथ लेके चलता नोबिता मत बन पिंकी नाम अच्छा हां बबीता मत बन टॉपिंग की जगह भाई कैट दिखा रही है पूसी यू नो मैन यू नो क्या करना चाह रहा है वो क्या करना चाह रहा है लेट्स गो पिंकी नाम अच्छा बबीता मत बन तेरे कलम पीछे बबीता मत बन वही होगी क्या कहते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा हां वो बबीता मत बन तेरे कलम में धार नहीं तेरा कलम अधार्मिक तेरे कलम से बना कोई कलाकार नहीं तेरे कलमकार में कोई कलाकार नहीं भाई साहब यार थोराट को क्या हो गया भाई बहुत ही मतलब गाना बना है बहुत तगड़ा भाई टोप भी साउंड कर रहा है हाँ
मजे भी दिला रहा है लिरिक्स जो होने चाहिए वही है भाई, ये पंच मारने के लिए तो पंच है भाई वो। हाँ, तेरे कलम कल तेरे कलम से बना कोई हाँ, और तेरा कलम है पर तेरी कलमकार को भी फिर जोड़ के कुछ बोला भाई। उसने पहले बोला कलम है पर रुक जाओ कुछ अच्छी नहीं है, मतलब धार्मिक नहीं है कुछ ऐसा। तेरे कलम में धार नहीं तेरा कलाधार्मिक कलम से बना कोई कलाकार नहीं मैंने शब्दों से पहला ये बलात्कार नहीं सुना। सच में भाई बहुत ही तगड़ी लिरिक्स है, मतलब मजा किसी और के मुंह से सुनते हैं तो तुम बोलते कि बहुत बड़ी लिरिक्स है, मतलब किसी बड़े स्टेटस वाले के अगर जैसे सिद्धू बोल दे बात ही ये लास्ट वाली लाइन तो बंदा बोलेगा कि भाई क्या आतंक क्या बोल दिया। तो ये लिरिक्स वही वाले यस यस। और कलमकार में कोई कलाकार नहीं, कलम से वो कराए तो समझ लो वो नहीं है। यस, और कलमकार में कोई कलाकार नहीं, ऐसा भी नहीं है भाई, हैं अच्छे खासे आर्टिस्ट। एक तरीके से ये नहीं मान रहा, हाँ, हाँ, वो ही वाला कह रहा मतलब कि जो वो कहते हैं रैपर मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं। यस यस, हां ठीक है। कलाकार नहीं तेरे कलमकार में कोई कलाकार नहीं, मैंने शब्दों से पहला ये बलात्कार नहीं, बार्स ये मिक्सिंग को ये पूरे बार्स नहीं, घूमता में सोलो रेके बॉडीगार्ड्स नहीं, जाटू कभी हुड में तो आ अकेला नहीं सेक ब्रो पूरी गैंग ले गया, बहुत सही वर्ड में तो आ अकेला नहीं झुंड ले गया पूरी गैंग ले गया। और ये पता कैसे लग रहा है, जंग से पहले पैप 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 मौत की बनेगी बजेगी सिंफनी, तो ये वैसी वाली वाइब्स है कि ट्रम्पेट तो वैसे ही बजता है कि जब वो एक होता है ना कि परेड हो रही है मार्चिंग उसकी तरफ को किले की तरफ जंग लड़ने जा रहे हैं तो परेड हो रही है, तो वैसी वाइब्स दे रहा है ट्रैक। लेट्स गो मैन, गन ले गए भाई फिर वही बात, ये सबका वही हो रहा है, या तो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं अकेला देख लूंगा पर समझ सकते हो तुम भी भाई। हाँ क्यों, मतलब चार बंदे एक ट्रैक पे, अभी मीमैक्स का तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा पर तीन तो हैं अभी तक बंदे भाई, तो तुम अकेले कैसे हो इस ट्रैक पे? We don't know. या क्या मतलब है वो भाई? मतलब वही लाइन का क्या मतलब है? एक तरह सीधा मतलब ये तो यही वही कहना चाह रहे हैं कि मैं अकेला तुमको सबको पेल दूंगा, पर मैं अकेला आ रहा हूँ पर कहाँ आ रहे हो अकेले भाई, अभी तुम तीन हो ट्रैक पे। हाँ, इस अगर गाने के अंदर ये लाइन उतनी नहीं जचेगी, अकेला आएगा मतलब भाई सोलो बंदा कोई अपना ट्रैक निकाल रहा है तब आप बोलो कि मैं अकेला पेल दूं, यस तब सेंस बनता है। या तो ये लाइन तुम तब मार सकते हो जब तुमने अकेले जाके उसे घर में रैपट मार दिया हो और तुम यहाँ खड़े हो, तब वो लाइन सेंस बनाएगी, अभी तो बस बोलने की बातें हैं। उसको जो खोटा सामने बजा चंबी मैटर में तेरा भाई कभी नहीं पड़ा, हमेशा मैं लड़ा कभी नहीं डरा, सपने देखे मैंने जो पूरे करने वो चला रेफरेंस करे कॉपी और बातें तेरी झूठ भगवान वाला नाम पर असल में तू मिलने की बात करूँ तो ये जाते हैं चुप भगवान वाला नाम पर असल में धूल पता नहीं क्या बोला पता नहीं देखे मैंने जो पूरे करने वो चला रेफरेंस करे कॉपी और बातें तेरी झूठ भगवान वाला नाम पर असल में तो चूमे फूल मतलब उनका कोई स्लैंग होगा शायद वो तो कह रहा था असली में तो फूल है तू भगवान नाम तो है पर है नहीं जो पूरे करने वो चला रेफरेंस करे कॉपी और बातें तेरी झूठ भगवान वाला नाम पर असल में तो चूमे मिलने की बात करूं तो ये जान चू बोल रहा है वो। अच्छा ओके नाम पर रसल में तू चू मिलने की बात करूं तो ये जाते हैं चुप बन जाए तेरा बाप और मैं चाचू या तो लगते हैं ओके ये बात अच्छा है केआरएल साइन से उसने जोड़ दिया कि उसमें उन्होंने पापा हाँ आ गया पापा गए थे कहीं वेकेशन पे गए थे आ गए वापस उस हिसाब से अच्छा है मतलब चाचा है दोस्त है उसका इस बंदे के उसका भाई जैसा है तो बार बन रही है एक तरीके से अगर वैसे देखा जाए तो वर्ष में इसके वर्ष में मेरे को यही लाइन सबसे सही लगी है ना। हां मेरे को भी वही सीन है लेट्स गो बनता है तेरा बाप और मैं चाचू या तो लगते गले या फिर कटता गला देखे अपनी तरह की पूरा सीन है जला लोकेशन भेजने तू क्यों डरा छोड़े सुन होश में बात कर तू जरा कभी मिनट वही वाली भाषा है वो मैं दुबई में आया हूँ अपने फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए तो कह रहा मैं यहाँ हूँ आ जा और तू लोकेशन इधर उधर की भेज रहा है ओके कृष्णा कोई बोल रहा है एक तरीके से लेट्स गो थोड़े सुन होश में बात कर तू जरा कभी हुड में तो आ
भाई मी मैक्स है ट्रैक पे, गैप तो है बहुत, आएगा पता नहीं, नहीं आएगा, आ जाएगा तो मजा आएगा। बीट बहुत अच्छी है भाई। ओके आ गया भाई, आ गया आ गया। फीलिंग रेडी, शॉट होगा हैवी, छोटे तो करता नहीं पुल अप, खड़ा हूं रेडी, लाया मशीन रेडी टू पुल अप वाला, वो जो रेडी टू पुल अप एनीवेयर। अब तेरा देश, तेरा शहर, तेरा इलाका, वो किसका है? वो तो अंजुम के हैं। हां ओके ओके ओके। एक पुल अप करे क्या है वो, कुछ पुल अप ऑन यू, पुल अप विद अ गोस्ट दैट्स बेटर। नहीं झूम ले गया पूरी गैंग ले गया। फीलिंग रेडी, शॉट होगा हैवी, छोटे तो करता नहीं पुल अप, खड़ा हूं रेडी, लाया मशेडी, काटूंगा तुझे मैं फुल अप, काटूंगा तेरा मैं मांस, जाके फिर मांस अपील को निशाना दिखा। हैं काटूंगा बाजू मार, रेफरेंस मार रहा है भाई वो। हां रोत लेवल पता लग रहा है, मांस अपील, मांस अपील और मांस को अपील कर दूंगा तेरे, इतने जनों को अपील कर दूंगा कि मैंने काटा है। नेम ड्रॉप एंड रेफरेंस साथ साथ ही। बैडी वो देती है डीप थ्रोट, फुकट का बनता है हीरो, खाएगा फटके तो फुकट में ही ब्रो, कभी दूर में तो आ, कभी तू मिलने तो आ, पहले हम मारेंगे तुझे फिर हम ही कराएंगे तेरी दवा, कभी हुड में दवा, मेरी हुड में दवा, अकेला नहीं झूम ले गया पूरी गैंग ले गया, कभी हुड में दवा। बहुत सिक है भाई गालिब भाई, बहुत सिक हुक है भाई। कभी हुड में दवा, अकेला नहीं झूम ले गया पूरी गैंग ले गया, कभी हुड में दवा। ओ भाई अकेला नहीं झूम ले गया पूरी गैंग ले गया। ओके ब्रो भाई, जी फाड़ भाई। हां मैं इतना इंप्रेस हो गया हूं ना भाई, मेनली मैं थोराट से भाई, थोराट से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। मिंटा से मैं उतना नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मतलब पिछले वालों से बहुत अच्छा है भाई, उसके हाँ, उससे बहुत ऊपर अच्छा है। yes. और हर एक बंदे ने मतलब ऐसा लग रहा है कि जितना वो पहले टॉप नॉच काम भाई, टॉप नॉच काम। बस मेरे को थोराट मैंने कभी सुना भी नहीं था, और मैं सुनना चाहता भी नहीं था, सच्ची बताऊं तो भाई, और इसमें सुना बीट बहुत तगड़ी, और जो वाई भी कहूंगा ना मैं, गालिब एंड मी मैक्स उसकी मेलेडीज। हाँ। खैर वो रैप थी तो उसमें क्या इतनी मेलेडी होगी, पर इन दोनों की वो जो मेलेडी थी ना वो हिट कर रही थी अलग से भाई। हाँ। बहुत सिक भाई, एक एक बंदे ने वर्स ऐसी दे रखी है ना भाई, मतलब बहुत मस्त गाना। मेरा बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा सुन रहा हूँ। हाँ भाई सच्ची, मतलब रिएक्शन बनाते बनाते ना कभी कभी होते कि थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट रहती है, इसमें ऑल थ्रू पूरे गाने में एक्साइटमेंट रही है भाई। हाँ। मतलब दिल से लगा कि हाँ ये रिएक्शन बना के अच्छा लगा भाई, मतलब बना के मजा आया भाई, गाना सुन के मजा आया, वो जो किक होती है ना वो थी भाई गाने में बहुत अच्छी भाई। और ये हर लिसनर को आ रही होगी जो सुन रहा है भाई, जिसके भी कानों तक पहुंच रहा है ना गाना। हाँ। वो खुश होएगा भाई, इतनी गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ। और मतलब एक होता है कि दिस बनाया मतलब बाहर के लिए कि सामने वाले को बस पेलना रिप्लाई दे रहा हूँ, लेकिन ये दूसरा है कि ये लूप मटेरियल भी यस पंचेस भी हैं भाई बहुत अच्छे, लेट्स गो, मतलब वो चीज बहुत मजा आ गया। बस भाई अब जो क्या कहते हैं हेटर होगा उनका हम कह नहीं सकते भाई, इधर हमारा कोई सीन नहीं है भाई, हेटर वाला सीन नहीं है। गाना अच्छा बनेगा तो हम पेलेंगे, और गाना अच्छा बनेगा तो हम अच्छा कहेंगे। yes. नहीं बनेगा तो हम पेलेंगे भाई, हमें अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, हम बोल देते साफ सीधी बात। जैसे गालिब का पिछला वाला में कॉपी लगा था, हमने बोल दिया आप लोग ऑफेंड है, पता नहीं क्यों किस बात के लिए, हमने कुछ बुरा तो बोला नहीं, कि ऐसा तो नहीं बोला कि हमने कि गालिब बेकार आर्टिस्ट है। हाँ. ऐसा तो हमने बोला नहीं, हमने कहा वो हमें पसंद नहीं है, ये गालिब बहुत पसंद आया, उससे पहले का गालिब भी पसंद आता है हमको, जो मस्त लगता है भाई। थोराट ने मेरे होश उड़ा दिए, मीम मशीन ने बीट और अपनी वर्स से मेरे होश उड़ा दिए। बैला के टाइम पे बैला को बोला तो बंदों ने बोला कि भाई वो है, लेकिन सिंपल सी बात है इस गाने को हम क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि नहीं लग रहा किसी से भाई, कॉपी लग ही नहीं रहा। yes. कैसे बोल दिया जाए सही में, और जब लग रहा है कॉपी तो कैसे छोड़ दिया जाए, अपना तो भाई हिसाब ये है। और कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं कि हाँ वो वैसा लग रहा है, ये नहीं बोलते कि वो लग रहा है कॉपी कर लिया। पर अब जब जब आप पांच छह गाने सेम वे में फेंक दोगे तो भाई कुछ तो चल ही रहा होगा ना भाई। हाँ। कुछ तो चल ही रहा है, सो लेट्स गो मैन, मजा आ गया ट्रैक में, वीडियो बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, वाइब बहुत अच्छी है ट्रैक की, मतलब लूप मटेरियल है, डिस तो है ही, शॉर्ट्स हैं बहुत सारे, और शॉर्ट्स भी क्या है, डिस ही है भाई, वो कलमकार
भगवान कृष्णा कर्मा सब नाम ड्रॉप कर दिए उन्होंने, तो एक तरीके से सबलिमिनल भी नहीं कहूंगा, पूरा एक तरीके से कॉल आउट है अपनी तरफ से, आ जा बेटे कलमकार yes. से पूरा मतलब टारगेट है। सो लेट्स गो मैन, लेट्स गो। बाकी आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन वो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। मिलना मैं पाऊं उसको। Keep your beat.